अगर आपके पास भी 2000 के नोटों की कटिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तरुण, आपने आरबीआई का लेटेस्ट सर्कुलर पढ़ा है उसमें का, जिसमें 2000 के नोट डिसकंटिन्यू हो गए हैं? हाँ, मैंने रीड किया है, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोगों के अंदर अभी कंफ्यूजन चल रही है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो मेरी है, मुझे पता ही नहीं है जो कैश सेल्स मैंने करी है उसको मैं बैंक में डिपॉजिट करा भी सकती हूँ या नहीं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, एज पर आरबीआई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपने बैंक अकाउंट में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। अच्छा, सो और ये डिपॉजिट आपको 30 सितंबर तक आपको करानी है, ये भी जो भी बैंक ये केवाईसी नॉर्म्स है वो फॉलो करते हैं। ओके, तो कितनी भी बार मैं डिपॉजिट करा सकती हूँ? हाँ, आप मेनी टाइम्स आप जमा कर सकते हैं अगर आपका बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है तो। अगर सब लोग बैंक में डिपॉजिट करने चले जाएंगे तो इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे डिपॉजिट बैंकों में भरेंगी उससे इनकी लिक्विडिटी भी बढ़ती जाएगी और जो चेक ब्रांच हैं या उनका जो कैश उनकी कैश की जो लिक्विडिटी है वो भी फ्लो एकदम से बढ़ जाएगी, जिसके कारण रेस्पेक्टिवली इंटरेस्ट रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी लोन्स पर। 2000 के नोट गवर्नमेंट ने बंद ही क्यों किए हैं? ये आप पहले ही देखिए कि जब गवर्नमेंट ने नोटबंदी के टाइम 2000 का नोट इसलिए लाए थे ताकि जो उनके पास एग्जिस्टिंग करेंसी नोट थे ताकि उनको टैक्स गैप कम किया जा सके, क्वांटिटी मतलब कम हो सके ताकि जो इनिशियल लेवल पे जितने के पब्लिक थे इंडियन पब्लिक थी उनको जल्दी से जल्दी करेंसी की सप्लाई की जा सके। अब सरकार को ऐसा लगता है कि जो 2000 के नोट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो काफी हाई वैल्यू नोट है और कहीं ना कहीं जहां तक मेरे को लगता है गवर्नमेंट के माइंड में ये होता है कि वो ग्रेवी को करप्शन करना चाहते हैं। मैंने भी पढ़ा है कि बैंक्स को सारा डेटा मेंटेन करना है, डिपॉजिट्स और एक्सचेंज किस किसने कराया और कब। हाँ, एज पर जो रिसेंट आरबीआई की गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग हर बैंक को एक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग एंड सस्पेंशन ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग आरबीआई को देनी होगी। लेकिन एक चीज मेन बात है, जिन एंटिटी के पास अपना एक्सप्लेन केस है उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो फ्रीडम रूप से कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। तो एक्सचेंज फैसिलिटी 23 मई से चालू हो गया, राइट? हाँ, आरबीआई के अकॉर्डिंग 23 मई से एक्सचेंज फैसिलिटी इंडिया के सभी बैंकों में स्टार्ट हो गई है। आरबीआई ने ये कहा है कि आप बैंकों में जितनी भी ब्रांचेज हैं वहाँ एक्सचेंज आप करा सकते हो। अगर आपका किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में अकाउंट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं है, आप नियरेस्ट में जाके 20,000 की वैल्यू तक का 2,000 की करेंसी का आप एक बार में चेंज करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास और करेंसी है तो विनय वाली एक डेज में एक से ज्यादा बार भी आप एक्सचेंज करा सकते हो। ओके, और आरबीआई के अकॉर्डिंग इसकी जो टाइमलाइन फिक्स की है वो लास्ट डेट है 30 सितंबर। ओके, रिसेंटली एक ट्वीट हमारे नजर में आया है मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अथॉरिटी का, जहाँ वे बता रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट हमारे इंडिया में लीगल टेंडर रहेगा। क्या लीगल टेंडर रहेगा? कल मार्केट में किसी ने भी मुझसे 2000 का नोट नहीं लिया तो दोस्तों क्या कहते हैं, क्या डिपॉजिट की डेट भी 30 सितंबर से बढ़ जाएगी? प्लीज राइट इन द कमेंट्स बिलो।